नमस्कार दोस्तों, सेवन डेज डेली से मैं राकेश। तमाम शख्सियतों से मिलने की कड़ी में आज एक शख्सियत से मिलने हम आए हुए हैं जो अभिनेता हैं और तमाम फिल्मों का प्रोडक्शन भी कर चुके हैं और काफ़ी सब इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। आइए सब उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। चलता है बहुत सारे यहाँ के अलावा जो और जगह के यूट्यूबर हैं जो लोग कंटेंट डालते, क्या उनका नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता? उन लोगों का भी चलता है, लेकिन आप उनके ऊपर फोकस करके उनसे कुछ प्रेरणा लेके बनाइए। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, जिन गाने का विरोध लोग कर रहे हैं कि इस गाने को नहीं, उस पर रील्स मत बनाइए। जो अच्छे गाने हैं उस पर रील्स बनाइए। अच्छा, लेकिन रील्स गाने पर रील्स बनाना नहीं गलत है। आप गाने पर रील्स बनाएं, लेकिन उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं? प्रेजेंट कर उसमें उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ और दे रहे हैं, एक्टिंग कुछ और कर रहे हैं। 80 के दशक में भी बिकनी पहन करके हिंदी की हीरोइनें उतरी थी, उतरी थी। आज तक भोजपुरी फिल्मों में कोई बिकनी पहन के कोई हीरोइन नहीं आया है। मुझे बता दी कोई फिल्म है जिसमें भोजपुरी हीरोइन बिकनी पहन के आई है? नहीं आई है। बट हम पूरा कपड़ा पहन कर ही आते हैं तो उसको हमारा DOP इस तरह से प्रेजेंट कर देता है कि बहुत ज़्यादा बल्गर लगने लगता है। और जब उस समय की हीरोइनें जब बिकनी पहन के आती थी तो प्रेजेंट करते थे तो अच्छा लगता था लोगों को, ये नहीं दिखता था बल्गर लग रहा। सेम वही कंडीशन है, गाना जो गा रहा है उससे ज़्यादा बल्गर क्या बन रहा है? रील्स बन रहा है। रील्स बन रहा, सही बात है। बना रहे हैं उसको बल्गर तरीके से, दिखा रहे हैं उसकी चीज़ों को, दिखा रहे हैं। आप लोग भी बोल रहे हैं कि चीज़ें जो ढकी हुई चीज़ें उसको खोल करके लोगों के सामने रख दे रहे हैं। सुधार करना, देखिए अपने आप में सुधार करिए, सब कोई सुधर जाएगा। और रही बात किसी को चैलेंज देना, किसी को ये कर दूंगा, किसी का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जी। भगवान दूठो आंख, दूठो हाथ, दूठो पैर, तुरऊ देले बटे, दुइयो टोक देले बटे, दुइयो टोई देले बटे, इट मरता कहा आदमी सबसे बड़ा स्मगलर बन जाला, सबसे बड़ा डॉन बन जाला। कहो के भगवान हाथी जंगर दे ना, जब अति हो जाए तो वही में कौन उठौनी करके आई बोरे कही, अब सब केहू नहीं छोड़ब हम। सही कह रहे हैं। का इंदिरा गांधी से ज्यादा पैसा क्यों लग रहा है? एक आदमी ने सब खत्म कर दिया। बड़े बड़े नेता कितना लोग मार गए, जॉन मरले रहा, वो बहुत बड़ा अरबपति खरबपति रहा, करीब 8-10 हाथ रहा, 10 मुड़ी रहा रावण कान। वो एक आम इंसान रहा, लेकिन तंग जब आदमी कौन चीज से आ जाला ना तो वही में चढ़ निकल के आई। हम इन्हें कहते क्यों मार दे, क्यों गरिया दे, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई। देखिए दाव मारना सब एक बराबर होता है, एक होगा कि आदमी मार रहा है सामने से गाली, वो कानूनी प्रक्रिया कोई अपनाएगा, अच्छा आदमी कोई आएगा, लगाएगा रिंच बोर्ड, सबको कस के टाइट कर देगा, सब लोग फिट हो जाएंगे जी। उसके बाद समझ में आएगा कैसे किसका गाड़ी किस्त भराता है, कैसे किसका और कारोबार चलता है। जब हमारा रोजी रोटी जो बिजनेस रहता है उसका पूजा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी से आपको काम चलाना है। बस मैं इतना ही जानता हूँ। अश्लीलता के खिलाफ इस अभियान में आप सभी लोग हैं और सबको रहना पड़ेगा। 2 दिन पहले जॉन रिपोर्ट रहा है वो हिसाब से हम बड़ा खुश रहनी, जब ये भल कि ना ये सब क्यों माफी फिर मांग के साइड हो गए। लेकिन अभी जॉन ये चलत बा ये हमके समझ में आ गए कि कुकुर नो चौगल चल दबा। और एमए तो हम चैलेंज करता ठीक है हर कोई उतर के आवे, तब तक उतर के आवे जब तक रिंच बोर्ड से लोग टाइट ना हो जाए जी। और इसमें चांस सबसे ज़्यादा जो नए लोग हैं, जो नहीं जिनकी वीडियो चलती उनके लिए चांस है। भैया आप लोग भी हाथ पाँव मारिए इसमें, जब ये लोग नहीं सुधर रहे तो आप लोग काहे बैठे रहेंगे भैया चुपचाप? हम कहे नहीं, हम अश्लीलता खत्म करने, अश्लीलता पहले तुम अपना देखो, अपन घर रहे शीशा का, दूसरे घर पत्थर मर घूम के पत्थर तब तुहार फूटी तब पता चली। चली सही बात है, अपन घर ना क्यों देखा रखा, फिर हम दूसरे घर में शीशा मारता थी हमारे पास जो शीशा बनल बा पत्थर मारनी दूसरे घर देख रहे तो शीशा, अरे फलनवा है सलवा शीशा घर बने धीरे रात दिन पत्थर मार दे फूट जाए घर, आ तुहारो शीशा बनल बा जब वो मारी पत्थर उल्टा तुहार नहीं फूटी, अपन फूटी भबाए लगी सबके। देखिए समय बदल गया है, चीजें बदल रही है। व्यूज के हुआ और के मजा के हुआ और मारता है समय उल्टा सीधा डाल के शुद्ध। आप भी न्यूज वाले हैं, बहुत सारा शुद्ध मैटर डालेंगे चल ही नहीं रहा होगा। ठीक नहीं चल रहा होगा, इस सबका फोकस खाली एक चीज पे बा, का भइल का भइल। हम कहे ना कि सरसों की सारन के मजा, सेम कहावत जो पुरनिया का गलत नहीं कहे हैं सब एक को, कि अब किसी और का व्यूज थे वो सब, कि मतलब वो समाज की अच्छी चीजें देखने वाले लोग थे, वो भी मुड़ गए सीधे मुड़ के इसी डाइवर्ट कर डाइवर्ट हो गए सब तो है भाई। दूसरे का व्यूज दूसरे के पास जा रहा तो मजा तो मार ही रहा है, मजा मारने लगे गेम खेल रहे हैं लोग। सही कह रहे हैं, सब मजा मारने का गेम हो रहा है, पैसे के लिए गेम हो रहा है। पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे अपना पर्सनालिटी चेंज करेंगे, अपनी क्वालिटी चेंज करेंगे, अपने आप को लोगों के सामने हाई फाई पेश करेंगे? मेहनत के दम पे कोई पैसा से नहीं कमाने आया यार, बस यही सब चल रहा है। बाकी अब देखिए जब तक नहीं हो गया अभियान चल रहा है और देखते हैं समय पड़ने पर
कुछ तो कुछ होगा इसमें, ये तो कन्फर्म हो गया कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं तो कुछ निर्णायक होगा 100% हो, ये तो समझ में आ गया बा, मैं 100% हो और होना ही चाहिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा अति हो रही है। दो चार दिन ऐसे हम देख लें और ओकरे बाद में हम बैठा थोड़न बाटे हैं जाकर। अगर हम 200 लोग 250 लोग हमारे से सीख के गल बाटे तो 250 लोगों के हम वापस बुला के 100 लोग हमारे साथ खड़ा हो जाइए तो टीम बना के हम उतर सके ना। कुछ गोरखपुर के बड़े नेता लोग हैं और लोग हैं जिनसे लग रहा है हमारे गोरखपुर का नाम बदला हमारा, वो भी लोग तो खड़े होंगे इसमें। जब वो खड़े होंगे तो प्रशासन तो साथ खड़ी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूर दूर लोगों को चिंता है इस चीज का। देखिए बहुत सारे बाहर के लोग भी इसमें आए हैं जो अच्छे काम के लिए आए हैं जी। हम कई लोगों का देखे लाइव वगैरह देखे थे कि कई लेडीज आए थे जो दिल्ली उल्ली से, तो वो लोग अच्छा कुछ बोलना चाहिए बोली इन सब चीज़ों पर, लेकिन नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिनको भोजपुरी का कौ खा नहीं पता, वो अपना व्यूज पाने के लिए वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो ये सब लोग कूद रहे हैं इसी में, लेकिन जब तक अपने यहाँ के लोग गोरखपुर के कुछ दो चार लोग दस लोग इसमें हाथ नहीं डालेंगे, इन लोगों को पीट पाट के बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा। तो ये थे अभिनेता क्रिस भैया, और अगले फिर किसी कड़ी में किसी नए शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दर्शकों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हम लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई पता चले के चाहिए।